तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं वापस आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की वाली वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ हम कैसे फिक्स कर सकते हैं लैग, वो भी पूजा लॉन्चर में। एंड इतने आप कुछ से भी सोच रहे होंगे कि मैं इसके ऊपर जो एक ऑलरेडी तो एक वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं फिर से क्यों बना रहा हूँ इसके ऊपर वीडियो। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम शेडर के साथ कैसे फिक्स कर सकते हैं लैग को। आप जैसे कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर शेडर लगा के खेल रहा हूँ एंड फिर भी मेरी गेम इतनी स्मूथ चल रही है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप फिक्स कर सकते हैं लैग। देखो, आपको एक चीज़ मैं पहले बता दूँ, इस ट्रिक से जो है ना, कभी आप ये मत सोचना हम पूजा लॉन्चर में BSL शेडर या तो PC वाले शेडर भी बहुत स्मूथ लगने लग जाएंगे। देखो पता क्या, ये ना एक शेडर है, ये जो शेडर है एंड्रॉयड के लिए, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इन शेडर के ऊपर जो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आप यूट्यूब पे आप मेरे चैनल पे जाके उसे चेकआउट ज़रूर कर लेना अगर आपको ये डाउनलोड करना है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हमें इन्हें लैग कैसे फिक्स हो सकता है। और आपको मैं एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, मैं जो आजकल वीडियो अपलोड करने में लेट हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता ही है मैं डेली वीडियो नहीं अपलोड करता हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि मुझे ना कंटेंट नहीं आता है दिमाग में। तो अगर आप जौन सा भी आपको मोड चाहिए होता है, जौन सा भी माइनक्राफ्ट का आपको मोड चाहिए होता है, मुझे कमेंट में बता दिया करो, जिससे मैं डेली वीडियो अपलोड कर पाऊँ, क्योंकि इसी यही मेरा मेन रीज़न है डेली वीडियो ना अपलोड करने का, ठीक है। आपको मैं पहले बता दूं। तो एनीवेज गाइस, जो भी है हम चलते हैं अपने सेटिंग में। ओके सर, मैं जो हूँ अपने पूजा लॉन्चर के गेम के सेटिंग में। आपको करना क्या है, ऑप्शंस में जाना है एंड आपको जाना है कंट्रोलर्स में एंड आपको जाना है माउस सेटिंग में। देखो, जो आप ये सेंसिटिविटी देख रहे हो, आपको करना क्या है, इन सेंसिटिविटी को जो है 170 पर कर देना, ठीक है। 170, अरे हो जाना, अरे हो जा मुझे, हाँ हो गया। तो ठीक है, अब मैं आपको, अब देखो इस सेंसिटिविटी को 170 से करने से होगा आपकी जो सेंसिटिविटी है एकदम ठीक हो जाएगी। देखो, अगर आपका लो एंड डिवाइस है फिर तो मुझे नहीं पता आपका आपकी गेम कैसी चलेगी, क्योंकि मैंने आज तक कभी से, अगर आपके पास 3GB रैम वाला डिवाइस है आप ये ट्राई करके देख लेना इस सेटिंग को, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या ये 3GB रैम वाला डिवाइस में अच्छे से होगा कि नहीं। एनीवेज, जो भी हम चलते हैं अपने अगले सेटिंग की तरफ। फिर आपको करना क्या है, ऑप्शन में जाके वीडियो सेटिंग में जाना है एंड जो रेंडर डिस्टेंस आपको दिखेगा इसे 2 पे कर देना मिनिमम पे, ठीक है, 2 कर देना। एंड स्मूथ लाइटिंग जो है इसे मिनिमम पे रखना, आप इसे ऑफ भी कर सकते हो, बट फिर जो है काफ़ी बेकार से ग्राफिक्स, काफ़ी ग्राफिक्स लो से हो जाते हैं, बट मैं तो इसे मिनिमम भी कर दूंगा। एंड जो ये ब्राइटनेस है इसे मूडी पर रखना एंड ग्राफिक्स जो है फास्ट पे रख देना, जो क्या कहते हैं रेंडर डिस्टेंस ऊपर कर देना। एंड डायमंड लाइट जो है, डायमंड लाइट इसे जो भी बोलते हैं, इसे फास्ट पे रखना। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको जाना एनिमेशन में एंड ऑल ऑफ कर देना, मेरी पहले से ही ऑल ऑफ है। एंड आपको फिर जाना है डिटेल में एंड जो फॉक्स स्टार्ट होगा इसे जो है 0.2 पे कर देना, ये करना ज़रूरी है, इससे जो आपका लैग बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, आपको डिटेल में जाके जो ये क्लाउड होंगे इन्हें भी ऑफ कर देना, ठीक है। उसके बाद जो देख आपका जो लैग है एकदम फिक्स हो जाएगा। देखो, अगर आपका 4GB रैम वाला डिवाइस है तब तो आपका लैग पक्का फिक्स हो जाएगा, अगर आपका 3GB रैम वाला डिवाइस है तब तो मुझे नहीं पता आपका लैग फिक्स होगा या नहीं, ठीक है। मैं तो इसे 4GB रैम वाले डिवाइस में चला रहा हूँ, बाकी अगर आपके पास 3GB रैम वाला डिवाइस है तो आप ट्राई कर लेना। अगर आपके पास है 4GB रैम वाला तो आपका पक्का लैग फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, आपको मैं एक चीज़ ज़रूर बता देता हूँ, जो ये शेडर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये जो है सिर्फ स्नैपड्रैगन प्रोसेसर में ही चलते हैं, ये मैं आपको बताना भूल गया था। इन शेडर की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर पूजा व्लॉग तो के लिए और भी कोई नए शेडर लॉन्च होते हैं जिसमें कोई प्रोसेसर वाला कुछ इशू ना हो तो मैं वो शेडर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। बस इन शेडर की बस यही प्रॉब्लम है, ये स्नैपड्रैगन में ही चलेंगे, ठीक है। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं बताऊँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।